Hello friends, welcome to Renu's Englishpedia. For those who are new to the channel, my name is Mrs. Renu Bansal and I am a PGT who is involved in active teaching of classes 10th, 11th and 12th. I have 17 years of teaching experience and love to share the knowledge I have gained with all curious and inquisitive minds. For a preview of the chapter, I advise you all to take a look at the description box. Today we are going to study the chapter, We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together, written by Alan East and Gordon Cook. The title of this chapter is taken from Jonathan's remark, We Aren't Afraid of Dying If We Can All Be Together, You and Mommy, Sue and I. जो जोनाथन है वो गॉर्डन कुक का बेटा है और उसने इस चैप्टर के दौरान ये लाइन्स बोली थी. It is a very appropriate title because it highlights the extraordinary courage, grit and unity of the captain's family in the face of deadly disaster. इस चैप्टर में कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होंगे जो बहुत उनके लिए डेंजरस थे, जिससे उनकी फैमिली की डेथ हो सकती थी, और उनके करेज इस डेडली डेंजर में, उसके कारण हम कहते हैं कि ये टाइटल अप्रोप्रिएट है. दिस होल स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड द स्ट्रगल टू सर्वाइव and at the end fortunately nobody dies and the family stay united. आखिर में जाके सब उनकी जीत होती है, none of them die और family अपना united front दिखाती है. इसी के साथ हम इसकी themes भी discuss कर लेते हैं. जो first theme है that is human nature of knowing and exploring the unknown. इंसान की फितरत होती है नई नई चीज़ों की खोज करना, adventurous trips पे जाना. So this is one of the major themes. उसके बाद जो second theme है that is unity, extraordinary courage, determination, indomitable spirit, sharp presence of mind and the never say die attitude. जब मुसीबत की घड़ी आती है तो हमें united रहना होता है, हमें बहुत ज़्यादा courage दिखाना होता है, हमें determined होना होता है कि नहीं, हम हार नहीं मानेंगे, हमने जीतना ही है. प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत इम्पॉर्टेंट है. प्रेजेंस ऑफ माइंड मतलब उस हालात में हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास क्या ऑप्शंस हैं. एंड नेवर से डाई का एटीट्यूड का मतलब होता है कभी भी हार ना मानना, कीप ऑन फाइटिंग टिल द एंड. नेक्स्ट थीम इज द अनकंडीशनल लव एंड इमोशनल बॉन्ड दैट द फैमिली मेम्बर्स शेयर विद ईच अदर. इन पूरी फैमिली का जो आपस में इकट्ठे इनका बॉन्ड था, उस बॉन्ड ने गॉर्डन कुक को बहुत हिम्मत दी कि वो सारी मुश्किलों से लड़ पाए. इट इज़ द स्ट्रगल ऑफ अ फादर हु इज़ डिटरमिन्ड टू सेव हिज फैमिली. गॉर्डन कुक ने आखिर तक अपने फैमिली को बचाने के लिए जी जान लगा दिया. अगेन लाइफ में एलिमेंट ऑफ लक बहुत इम्पॉर्टेंट होता है. दिस इज़ द लक विच हेल्प देम टू रीच आई एम्स्टरडम एंड यू नो अगेन द लक मैटर्ड व्हेन ही चोज लैरी एंड हर्ब. उनको एक अपने साथ लेकर जाने के लिए उसने ये डिसीजन दिया. एंड फाइनली द लास्ट थीम इज़ फेथ इन वंस ऑप्टिमिज्म. अपने ऑप्टिमिज्म पे यकीन रखना कि जो भी होगा वो अच्छा ही होगा. हम चैप्टर शुरू करें उससे पहले बहुत ज़रूरी है कि बोट के कुछ पार्ट्स को हम समझ लें. सबसे पहले आप ऊपर देखिए, वहाँ पर मेन सेल और जिब है एंड इट इज़ कनेक्टेड टू द मास्ट. मास्ट वो बड़ी सी रॉड होती है जिससे ये दोनों चीज़ें अटैच्ड होती हैं. मेन सेल जो आपका मेन होता है वो होता है, और जो जिब होती है इट्स अ स्मॉलर सेल विच इज़ यूज व्हेन द विंड्स आर वेरी उनका जो स्पीड होती है वो बहुत हाई स्पीड पे होती हैं, तब हम स्टॉर्म जिब का यूज़ करते हैं. अगेन जो इम्पॉर्टेंट है इस पिक्चर में वो सबसे नीचे कील है. कील इज़ द बॉटमस्ट पार्ट ऑफ द बोट एंड जब स्टॉर्म आता है तो उनकी बोट वहाँ तक डैमेज हो जाती है. अगेन आई वुड लाइक यू टू लुक एट द पिक्चर विच इज़ ऑन द लेफ्ट हैंड साइड, द पिक्चर विच इज़ डाउन एंड इट इज़ शोइंग यू द फोर डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बोट. जो सबसे आगे वाला पार्ट होता है बोट का उसको बो बोला जाता है, और जो पीछे वाला पार्ट है उसको स्टर्न बोला जाता है. जो लेफ्ट हैंड साइड पे पार्ट होता है बोट का उसको हम पोर्ट बोलते हैं, और जो राइट हैंड साइड पार्ट होता है बोट का उसको हम स्टारबोर्ड साइड कहते हैं. चैप्टर में ये इम्पॉर्टेंट होएगा टू अंडरस्टैंड द डिफरेंट इंसिडेंसेस.
Now let us start with the chapter. The main characters of this chapter are Gordon Cook. He is a narrator and he is also a 37-year-old businessman. He is a man of great courage, commitment and conviction. इन्होंने जो स्टॉर्म के फेस में अपना करेज दिखाया, जो कमिटमेंट दिखाया कि मैं अपनी फैमिली को बचाऊंगा और कन्विक्शन कि मैं बचा सकता हूँ, दे वर द क्रूशियल एलिमेंट्स इन फाइटिंग एंड विनिंग अगेंस्ट द स्टॉर्म. ही प्रूव्ड हिमसेल्फ टू बी द बेस्ट कैप्टन एज वेल एज द बेस्ट फादर एंड ही हैड एंडलेस ग्रिट एंड डिटर्मिनेशन. उनके अंदर जो दृढ़ विश्वास था वो अटूट था. After that, the second character is Mary, who is Gordon Cook's wife. ये Gordon Cook की wife हैं and she always supported her husband's passion. Husband का passion sailing का था और Mary ने हमेशा अपने husband को support किया, हमेशा उनके dreams को अपना dream माना and even joined him on the round the world sea journey. She stood by him in the greatest difficulties. जब storm अपनी सीमा चरण पे था, it was Mary who helped Gordon Cook in taking care of everyone. The next character is Suzanne. ये Gordon Cook की 7-year-old daughter है. She is a brave girl and she displayed immense courage throughout the voyage. पूरे voyage में जो Suzanne ने अपनी हिम्मत दिखाई वो काबिले तारीफ हिम्मत थी. बहुत ज़्यादा एक 7 साल का बच्चा इस तरह की हिम्मत दिखाए, दैट वॉज रियली ग्रेट. एंड उसकी जो ब्रेवरी थी, इट इवन टफन्ड हर फादर्स रिजॉल्व टू फाइट द ऑड्स. मतलब जब सिचुएशन आपके अगेंस्ट होती है, आपको पता है आपने हारना है, तो उस सिचुएशन में भी जो हिम्मत चाहिए थी इस चीज़ के साथ लड़ने के लिए, वो सुजान ने अपने फादर को दी थी. द नेक्स्ट कैरेक्टर इज जोनाथन. आई ऑलरेडी टोल्ड यू ही इज़ गॉर्डन कुक्स 6-year-old सन, 6 साल का बेटा है. And he shows a lot of bravery, strength, optimism and fearlessness in the face of death. मौत के सामने खड़े होके कोई 6 साल का बच्चा इस तरह से शब्द बोले कि पापा मुझे मरने से नहीं डर लगता, तो ये बहुत बड़ी बात है. He rejuvenated his father's hope. जब उसने ये लाइन बोली, rejuvenated मतलब अपने फादर के होप में नई जान डाल दी. And then the last two characters are Larry Vigil, who is an American, and Herb Segler, who is a Swiss. Gordon Cook ने इनको हायर किया था as crew members, and both of them supported Gordon Cook throughout the adventurous trip. Again, before moving forward, हमें ये बात जाननी ज़रूरी है कि Gordon Cook जो है, he is a descendant of Captain James Cook, whose round-the-earth voyages are popular in history. बहुत famous थे Captain James Cook, और इन्होंने 3 voyages किए हैं अपनी लाइफ में in the years 1768, 1772 and 1776. After 200 years of James Cook's voyages, Gordon Cook भी यही voyage अपनी family के साथ करना चाहते थे. Now, James Cook की और क्या खासियत है कि he was born in 1728 in modern Yorkshire and he died in on 14 February 1779. By nationality, he is a British. जो James Cook था, he was an explorer, cartographer and naval officer. Cartographer मैं पहले भी बता चुकी हूँ. Cartographer is a person who plots the maps, and ultimately he rose to the rank of a captain in the Royal Navy. On his third voyage, he was killed in the Hawaii Islands. अब Gordon Cook जो थे, वो उनकी इस third voyage को duplicate करना चाहते थे. So he set out with his family in July 1976 in their wooden-hulled boat Wave Walker from Plymouth. अगर आप इस globe को देखोगे, तो यहाँ पे 4 तरह के डिफरेंट लाइंस मार्क्ड हैं. जो रेड में लाइन है वो जेम्स कुक की फर्स्ट वॉयज का आपको जर्नी कहाँ से रूट था वो दिखा रही है. जो लाइन ग्रीन में है, दैट इज़ शोइंग द सेकेंड वॉयज. जो लाइन ब्लू में है, दैट इज़ शोइंग द थर्ड वॉयज. और जो डैश्ड लाइन है, दैट इज़ शोइंग द यू नो द रूट दैट वॉज टेकन बाय गॉर्डन कुक एंड हिज फैमिली. Now, in order to prepare for this trip, Gordon Cook और उनकी फैमिली ने 16 years तक
अपना हर फ्री टाइम लीजर टाइम को यूज़ किया था टू होन देयर सी फेयरिंग स्किल्स इन द ब्रिटिश वाटर्स. होन देयर सी फेयरिंग स्किल्स का मतलब होता है अपने जो सी में जो हमारे को स्किल्स चाहिए होती हैं टू सर्वाइव, उनको परफेक्ट करने में लिए 16 साल लगाए थे. एंड इट वॉज यू नो दिस ट्रिप वॉज अ 3-year ट्रिप एंड इट वुड कवर 105,000 किलोमीटर्स. अब जो ये रूट था दैट वॉज गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम इंग्लैंड, इट वुड मूव टूवर्ड साउथ अफ्रीका थ्रू द सदर्न इंडियन ओशन एंड फ्रॉम देयर टू ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका एंड फाइनली बैक टू इंग्लैंड. अब जो वेव वॉकर थी दैट वॉज अ 23 मीटर लॉन्ग, 30 टन, प्रोफेशनली बिल्ट एंड इट वॉज ऑल्सो टेस्टेड इन द रफेस्ट वेदर. इट वॉज अ वुडन हल्ड ब्यूटी. हल जो होता है वो एक वाटर टाइट बॉडी ऑफ अ शिप होता है. जो बोट का आउटर साइड होता है उसको हल बोला जाता है. ये बड़े ध्यान से बनाया जाता है कि बिल्कुल भी वाटर उसके अंदर ना जा सके. नाउ द फर्स्ट लेग ऑफ द जर्नी वॉज वेरी प्लेजेंट. बड़े आराम से बड़े अच्छे वेदर में कटा एंड दे सेल डाउन द वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टू केप टाउन. केप टाउन में दे टुक ऑन बोर्ड द ट्यू क्रूमैन, दैट इज़ लैरी एंड हर्ब को उन्होंने वहाँ केप टाउन से बोट में लिया एंड फ्रॉम देयर दे सेल फर्दर टू सदर्न इंडियन ओशन विच इज़ वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सीज. अब जब उन्होंने केप टाउन को क्रॉस कर लिया, आफ्टर दैट दे एनकाउंटर्ड स्ट्रॉन्ग विंड्स ऑन द सेकेंड डे और ये अगले कई हफ्तों तक चलता रहा. यू नो ये उनका जो उनके लिए जो मुसीबत का टाइम आया था, यू नो इम्पेंडिंग डिज़ास्टर, मतलब जो टाइम आने वाला था उसके ये पहले संकेत थे, पहले साइंस थे, दे वर द फर्स्ट साइंस. नाउ दिस बिकेम अ कॉज ऑफ वरी बिकॉज ये जो हवा चल रही थी इसके कारण द साइज ऑफ द वेव्स ग्रू अलार्मिंग. दे वर राइजिंग अप टू ऑलमोस्ट 15 मीटर्स विच वॉज एज हाई एज द मास. मास उनका जितना लंबा था उतनी ऊंचाई तक वेव्स आ रही थी एंड 25 दिसंबर तक देर वॉजेंट एनी इम्प्रूवमेंट इन द वेदर. पर कहाँ पे उन्होंने जुलाई में अपना जर्नी शुरू किया था एंड नाउ आफ्टर रीचिंग केप टाउन जब 25 दिसंबर कई हफ्ते भी गुजर गए तभी भी वेदर ख़राब ही चल रहा था. हाउएवर उनका ये बहुत मेजर फेस्टिवल है एंड दिस सेलिब्रेटेड विद अ लॉट ऑफ फैनफेयर. उन्होंने अपनी स्पिरिट्स, अपनी हिम्मत हाई रखी इन स्पाइट ऑफ द एक्सट्रीम वेदर कंडीशन. इतना गंदा मौसम होने के बाद भी उन्होंने अपने फेस्टिवल को पूरी तरह से इंजॉय किया. यही वेदर कंटिन्यू हुआ टिल द न्यू ईयर डे. 1 जनवरी तक भी सेम हालत चलती रही. वो बार बार हर रोज़ उम्मीद रखते थे दैट द वेदर वुड चेंज एंड इट डिड चेंज बट फॉर द वर्स. वेदर और भी ज़्यादा ख़राब हो गया. अब जब मौसम ख़राब हुआ तो गॉर्डन कुक ने कुछ यू नो इम्पॉर्टेंट प्रिकॉशंस लिए. वेव्स गाइगेंटिक हो गए थे, इसका मतलब है बहुत ह्यूज जा रहे थे और उन्होंने सबसे पहले तो अपना मेन सेल उतारा एंड दे वर ओनली सेलिंग विद अ स्मॉल स्टॉर्म जेट. मैंने आपको ऑलरेडी पिक्चर दिखाई है. बट इवन देन दे वर मूविंग वेरी फास्ट, दैट इज़ दे वर मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 8 नॉट्स पर माइल, यू नो नॉटिकल माइल्स के हिसाब से. नाउ द सीन जो वेव्स का सीन था इतनी ज़्यादा हाइट पे था दैट इट वॉज अ हॉरिफाइंग सीन और जो रोर था ऑफ द वेव्स दैट वॉज डेफिनिंग. इतने दिल धड़का देने वाला दृश्य था. अल्टीमेटली उनको इवन स्ट्रॉन्ग जिप को उतारना पड़ा इन ऑर्डर टू स्लो डाउन द बोट. देन द नेक्स्ट प्रिकॉशन दे टुक वॉज दैट दे लैश्ड एंड डबल लैश्ड ऑल द इक्विपमेंट ऑन द बोट. जितना भी उनका सामान डेक पे पड़ा हुआ था उस चीज़ को उन्होंने दो बार मोटी रस्सी से लूप के साथ, स्टर्न के साथ, यू नो यूजिंग अ थ्रू अ लूप स्टर्न के साथ उसको बांधा सो दैट द थिंग्स वुड नॉट फॉल ओवरबोर्ड. उसके बाद सारे मेंबर्स ने ऑन द बोट दे वेंट थ्रू द लाइफ राफ्ट ड्रिल. लाइफ राफ्ट ड्रिल होता है कि अगर बोट डूब जाए तो आप कैसे अपनी जान बचा सकते हो यूजिंग अ रबर बोट. इट्स एन इन्फ्लेटेबल बोट. उसके बाद उन्होंने अपने आप को लाइफ लाइन्स के साथ अटैच किया सो दैट नो वन वुड गो डाउन इन द सी, दे वुड बी एबल टू फ्लोट इन द वाटर. एंड फाइनली लास्ट प्रिकॉशन उन्होंने ऑयल स्किन्स पहने विच हेल्प यू नो टू सर्वाइव द हार्श टेम्परेचर्स ऑफ द वाटर एंड लाइफ जैकेट विच इज़ इक्विप्ड विद अ लॉट ऑफ मटीरियल
which helps you to survive in water. Whistles होती हैं, sometimes nutrition के packets होते हैं खाने वगैरह के लिए, तो ये चीज़ें उन्होंने last में पहन ली. When all these preparations were complete, शाम हुई, 6 बज गए. At that point in time, there was an ominous silence. Ominous silence का मतलब होता है एक अजीब सी चुप्पी जो pleasant नहीं होती है, बट आपके दिल की धड़कनों को और तेज़ कर देती है. इट इज़ द प्रिडिक्टर ऑफ अ बैड टाइम टू कम, जिसको कहा जाता है स्टॉर्म से पहले की शांति. एंड यू नो इस ओमिनस साइलेंस क्यों हो गया, बिकॉज द विंड ड्रॉप्ड एंड इसी पल में द स्काई ग्रू कम्प्लीटली डार्क एंड देन यू नो द स्टॉर्म स्टार्टेड. देर वॉज अ हॉरिफाइंग रोर, ह्यूज वेव्स, और इतनी ह्यूज वेव्स थी कि नरेटर को लगा दे वर क्लाउड्स. और ये दे अपियर्ड एट द बैक, दैट इज द नियर द स्टर्न ऑफ द बोट. एंड वेव्स का जो हाइट था दैट वॉज यू नो ऑलमोस्ट वर्टिकल टू द बोट एंड इट वॉज ट्वाइस द हाइट ऑफ द मास्ट. जो मास्ट था उसकी ट्वाइस द हाइट पे वेव्स थी. एंड गॉर्डन कुक उम्मीद कर रहे थे, उन्होंने बोट को इस तरह से अलाइन किया, कोशिश कर रहे थे दैट दे शुड बी एबल टू राइड ओवर द वेव, बट वो ऐसा नहीं कर पाए. There was a tremendous explosion which shook the deck. वो पूरा का पूरा वेव उनकी बोट के ऊपर गिर गया एंड हर तरफ चारों तरफ यू कुड सी द ग्रीन एंड वाइट वाटर. ग्रीन मे बी बिकॉज द सी वेव्स वर ऑल्सो थ्रोन अप विद द वाटर. अब इस वेव के एक्सप्लोजन के कारण वॉट हैपेंड, गॉर्डन कुक्स हेड वॉज स्मैश्ड इन टू द नेविगेशन व्हील. उनका सर नेविगेशन व्हील से टकराया, उसके प्रेशर से उसका जो उनको जो धक्का लगा, बिकॉज ऑफ दैट ही फ्ल्यू ओवरबोर्ड. वो पानी में यू नो शिप के बाहर गिर गए पानी में, समुंदर में, एंड ही सैंक बिलो द वेव्स. एंड इतनी ज़ोर का उनको सर पे चोट लगी थी दैट ही वॉज अबाउट टू लूज कॉन्शियसनेस. उनको ऐसे लगा एज इफ डेथ वॉज अप्रोचिंग एंड इन दोज मोमेंट्स ही फेल्ट अ लिटिल पीसफुल. हाउएवर गॉर्डन कुक ने लाइफ लाइन पहनी हुई थी, उन्होंने यू नो वो जो ट्यूब था बिकॉज ऑफ दैट हिज हेड पॉप्ड आउट ऑफ द वाटर. और इसी ही पल में एक और वेव आया. इस पॉइंट तक लग रहा था कि जो वेव वॉकर है, जो बोट है, दैट वुड कैप्साइज. कैप्साइज मतलब ओवरटर्न हो जाएगी. पर जो नेक्स्ट वेव आया उसने जो वेव वॉकर थी, जो बोट थी, उसको दोबारा से उसके हॉरिजॉन्टल यू नो उसको दोबारा से वर्टिकल पोजिशन में ले आया. वेव ने उसको ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल बना दिया था. मास मतलब इतना हाई वेव आया था पहले वाला कि द बोट वॉज ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल, बट जो सेकेंड वेव आया उसने बोट को बिल्कुल सीधा दोबारा से कर दिया. व्हेन द बोट वॉज अपराइट इट यू नो इट टग्ड ऑन द लाइफ लाइन ऑफ गॉर्डन कुक एंड गॉर्डन कुक वॉज हर्ल्ड अब्रॉड, मतलब अबॉर्ड. जैसे ही वो वेव ने वेव वॉकर को सही किया, अपराइट किया, जो गॉर्डन कुक की लाइफ लाइन थी वो बिल्कुल जर्क हो गई, ज़ोर से खिंची और वो उन्होंने फ्लाइंग जंप लिया. एंड जैसे ही उनका शिप पड़ा, उनका हाथ पड़ा शिप की रेल्स पे, गार्ड रेल्स पे, तो ही लैंडेड, मतलब उन्होंने उसको पकड़ लिया एंड ही लैंडेड ऑन द मेन बूम. वो जाके शिप में दोबारा से लैंड करे. नाउ इतना ज़्यादा वेव स्ट्रॉन्ग थी कि गॉर्डन कुक जब लैंड किए ऑन द शिप, ऑन द बोट सॉरी, He was tossed around the deck like a rag doll. Rag doll होता है कपड़े की गुड़िया. जैसे कपड़े की गुड़िया को आप आसानी से इधर उधर फेंक सकते हो, वैसे ही गॉर्डन कुक भी उस स्टॉर्म के कारण बोट में इधर उधर पटके जा रहे थे. अब इस दौरान उनकी जो लेफ्ट रिब्स थी दे क्रैक्ड. हिज माउथ वॉज फिल्ड विद ब्लड एंड ब्रोकन टीथ. उनके पूरे मुँह में खून से भर गया, उनके काफ़ी दांत भी टूट गए. किसी भी तरह से यू नो ही डिड नॉट गिव अप. ही शोड एंडलेस ग्रिट, डिटर्मिनेशन. ही समहाउ टुक द व्हील एंड अलाइंड द स्टर्न टू राइड ओवर द नेक्स्ट वेव एंड हंग ऑन. जो व्हील होता है उसको उन्होंने किसी तरह से पकड़ा और बोट को इस तरह से एंगल किया कि जो अब नेक्स्ट वेव आएगा उसको वो राइड ओवर कर पाएंगे. इंस्टेड ऑफ कन्फ्रंटिंग द वेव दे वुड बी एबल टू यू नो राइड द वेव. अब गॉर्डन कुक ने खुद को संभाला ही था, इतने में मैरी उनकी वाइफ फटाफट से यू नो हैच उठा के बाहर आए और उन्होंने गॉर्डन कुक को बताया दैट द डेक्स बिलो वर स्मैश्ड
and the entire boat was flooding with water. Gordon Cook ने मैरी को बोला to take the wheel and he went down the hatch to check what had happened. तो उन्होंने देखा लैरी और हर्ब जो थे they were pumping out water and they were using water pumps for this. चारों तरफ ब्रोकन टिम्बर था. ब्रोकन टिम्बर मतलब लकड़ के टूटे हुए टुकड़े हर जगह वो हैंग कर रहे थे. नॉट ओनली टिम्बर बट अदर थिंग्स जो उनके टॉयज थे, टिन्स थे खाने के, वो सब पानी में यू नो इधर उधर मूव कर रहे थे. एंड द वाटर वॉज क्वाइट डीप इन द बोट नाउ. जो स्टारबोर्ड साइड था दैट इज़ द राइट साइड ऑफ द बोट दैट वॉज यू नो दैट वॉज स्वेल्ड इनवर्ड्स मतलब वो इनवर्ड्स पुश हो गया था ड्यू टू द इम्पैक्ट ऑफ द वेव. और ये मतलब इट वॉज क्वाइट क्रूशल दिस डैमेज टू द बोट. इन स्पाइट ऑफ दिस गॉर्डन कुक वेंट टू चेक ऑन हिज चिल्ड्रेन. तो बच्चों ने उनको एश्योर किया कि हमें थोड़ी बहुत तो चोटें आई हैं. स्यू ने कहा कि उसके फोरहेड पे एक छोटा सा बम्प आया है बट देवर ओके दिट वॉज नथिंग टू वरी अबाउट. गॉर्डन कुक ने भी स्यू की बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं दिया बिकॉज द बोट वॉज क्वाइट डैमेज. सो ही यूज अ वाटर प्रूफ कैनवस क्लॉथ एंड सिक्योर्ड द होल्स विद इट एंड ही ऑल्सो यू नो यूज द हैच कवर्स टू वाटर प्रूफ द हैच. उसके बाद उन्होंने हैंड पम्प्स जो थे देवर ब्लॉक्ड विद डेब्री. जो कचरा फ्लोट कर रहा था पानी में उन्होंने हैंड पम्प्स को ब्लॉक कर दिया था. एंड इवन द इलेक्ट्रिक जो पम्प था दैट हैड शॉर्ट सर्किटेड वो भी जल गया था. और जो वाटर था उसका लेवल इट वॉज राइजिंग अलार्मिंगली. दे ऑल्सो हैड यू नो टू स्पेयर हैंड पम्प्स बट उनके जो दोनों हैंड पम्प्स थे जो उनका मेन सेल था जो उनका जिप था जो उनके डिंगीज थे दैट इज़ द राफ्ट्स और जो उनका मेन एंकर था यू नो विच वुड गिव स्टेबिलिटी टू द बोट. नाउ ऑल दिस स्टफ इन स्पाइट ऑफ डबल लैशिंग इट इट हैड फॉलन ओवरबोर्ड. इतना ज़्यादा स्टॉर्म तेज था दैट एवरीथिंग हैड फॉलन ओवरबोर्ड. फाइनली गॉर्डन कुक को एक इलेक्ट्रिक पम्प मिला अंडर द चार्ट रूम फ्लोर एंड फॉर्चुनेटली इट वर्कड. पूरी रात थ्रू आउट द नाइट दे केप्ट ऑन पम्पिंग आउट वाटर एंड स्टीयरिंग. पूरी रात हर मेम्बर ने पानी बाहर निकालने में रात गुजार दी एंड टू स्टर द बोट इन सच अ मैनर के स्टॉर्म को उसको डैमेज ना कर पाए. कंटिन्यूसली वो मेडे कॉल्स कर रहे थे. मेडे कॉल्स का मतलब होता है डिस्ट्रेस कॉल्स. वो रेडियो के ऊपर दे वर सेंडिंग आउट मेडे कॉल्स बट दे गॉट नो रिप्लाई. नाउ इन द मीन टाइम स्यूज हेड वॉज बैडली स्वोलन. हर ब्लैक यू नो उसकी आंखें भी ब्लैक हो गई थी. उसके आर्म पे भी डीप कट था. और जब गॉर्डन कुक ने बोला कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया सो शी आंसर्ड हर फादर दैट शी डिडंट वांट टू वरी हिम. ही वॉज ऑलरेडी वेरी वरीड एंड शी डिडंट वांट टू गिव हिम एनी मोर वरी. नाउ इट वॉज 3rd January और 3rd January को थोड़ा सा स्टॉर्म ने अबेट किया. उसकी जो तीव्रता वो थोड़ी कम हुई एंड बाय मॉर्निंग यू नो द वाटर लेवल्स वर अंडर कंट्रोल. नाउ ऑल ऑफ द मेंबर्स कुड टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन. इन रोटेशन का मतलब है बारी बारी से. बट कहीं ना कहीं पर एक लीक था बिकॉज बार बार इन स्पाइट ऑफ एम्प्टिंग द बोट वो बोट में बार बार पानी भर रहा था. जब गॉर्डन कुक ने जाकर चेक किया तो ही फाउंड दैट ऑल द रिप फ्रेम्स वर स्मैश्ड. रिप फ्रेम्स होता है जो यू नो जितने भी अंदर फ्रेम्स होते हैं जो बोट को बैलेंस करते हैं, सपोर्ट करते हैं, वो सब टूट गए थे डाउन टू द कील. आई हैड शोन यू द इमेज ऑफ द कील जो बिल्कुल लोअर पार्ट ऑफ द बोट होता है. तो वहाँ से पानी बहुत ज़्यादा आ रहा था. इनफैक्ट जो स्टारबोर्ड हल का जो पूरा सेक्शन था दैट वॉज बींग सपोर्टेड बाई द फ्यू कार्डबोर्ड पार्टीशंस दैट वर लेफ्ट. जो वहाँ पे कार्डबोर्ड्स बनाए हुए थे उनके कुछ पार्टीशंस अभी थे वहाँ पर एंड दे वर द वंस विच वर सपोर्टिंग द बोट टू स्टे अफ्लोट. और जो बोट की हालत थी गॉर्डन कुक को पता था दैट ये इट वुडंट होल्ड टुगेदर टिल दे रीच्ड ऑस्ट्रेलिया. उनको कहीं ना कहीं तो आसरा लेना ही पड़ेगा. दे वुड नॉट बी एबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया इन द कंडीशन दे वो उनकी जो बोट जिस कंडीशन में थी इट वुड नॉट बी एबल टू रीच ऑस्ट्रेलिया. And even their spare engine was out of action. That was the main problem. अब इस condition में जो आखिरी उम्मीद थी that was the island Isle Amsterdam. Gordon Cook checked the charts and calculated
कि यहाँ पे दो आइलैंड्स हैं अ फ्यू हंड्रेड किलोमीटर्स टू द ईस्ट. वन ऑफ दीज आइलैंड्स वाज आइल एम्स्टरडैम. जो आइल एम्स्टरडैम है इट्स अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस. वहाँ पे फ्रांस का साइंटिफिक बेस था. बट ये आइलैंड्स इतने छोटे थे तो इस वास्ट ओशन में दे वुड अपीयर लाइक पिन प्रिक्स. बिल्कुल सुई के नोक के दाने जितने वो आइलैंड्स थे जिनको ढूंढना बहुत मुश्किल होता. अनफॉर्चुनेटली 3 जनवरी को जिनको रिस्पाइट मिला था ये बड़ा शॉर्ट लिव था बिकॉज दोबारा से स्टॉर्म के आसार शुरू हो गए. 36 आवर्स तक दे वर पंपिंग एंड फाइनली यू नो आफ्टर ऑल द रिपेयर्स दैट दे कुड डू दे हैड रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर. और वो वेट कर रहे थे कि विंड अभी सेटल हो जाए सो दैट दे कुड हॉइस्ट यू नो बिकॉज टिल द विंड डिड नॉट सेटल दे वुडंट बी एबल टू हॉइस्ट एनी सेल. विंड इतनी स्ट्रांग थी कि वो बोट को कैप्साइज कर सकती थी. नॉट ओनली कैप्साइज बट अगर सेल्स के ऊपर प्रेशर पड़ता रिगिंग के ऊपर प्रेशर पड़ता तो जो बोट थी जो ऑलरेडी टूटी हुई थी इट वुड हैव ब्रोकन इनटू टू पार्ट्स. इट वुड हैव यू नो टोन अपार्ट द बोट. तो उन्होंने छोटा सा जो उनका स्टॉर्म जिप था उसको दोबारा से हॉइस्ट किया एंड दे यू नो स्टीयर्ड टूवर्ड्स वेयर दे थॉट द आइलैंड वुड बी. इन द मीन टाइम मैरी ने उनके लिए खाने के लिए थोड़ा सा खाना कॉर्न्ड बीफ एंड क्रैकर बिस्किट्स का अरेंज किया. और 2 दिन के बाद दैट वॉज सपोज टू बी द फर्स्ट मील. 2 दिन बाद सारे लोगों ने वहाँ पे खाना खाया. बट एज आई टोल्ड यू 4 PM तक दोबारा से क्लाउड्स आ गए एंड जो विंड की स्पीड थी इट वेंट बैक टू 14 nautical miles per hour एंड जो सीज का लेवल था जो वेव का हाइट था इट वॉज गेटिंग हायर बाय द मिनट. जनवरी 5 तक उनकी जो सिचुएशन थी दैट अगेन बिकेम डेस्परेट. सुबह होते होते सिचुएशन बहुत ख़राब हो गई. विंड्स बहुत तेज़ थे वेव्स बहुत हाई थे एंड जोनाथन ने अपने पापा से पूछा इफ़ दे वर गोइंग टू डाई. नरेटर ने गॉर्डन कुक ने उसे अश्योर कराने की कोशिश की कि नहीं ऐसा कुछ नहीं होएगा वी वुड बी एबल टू मेक इट टू द आइलैंड. एंड जोनाथन रिप्लाई टू दिस दैट डैडी वी आंट अफ्रेड टू डाई इफ़ वी कैन ऑल बी टुगेदर यू एंड मम्मी यू एंड आई. जोनाथन के इसी रिमार्क से हमारा टाइटल भी बनता है. एंड जोनाथन का ये रिमार्क सुन के गॉर्डन कुक वॉज इवन मोर डिटर्मिंड टू फाइंड अ वे आउट ऑफ द स्टॉर्म. जॉन के ये रिमार्क ने उसको इंस्पायर किया कि मैं हार नहीं मानूंगा. अब गॉर्डन कुक ने जो पॉट साइड था उसको फेस कराया टूवर्ड्स द ऑनकमिंग वेव्स. इफ़ यू विल रिमेंबर जो राइट हैंड साइड था स्टारबोर्ड साइड था दैट वॉज डैमेज्ड और जो पॉट साइड था दैट इज़ द लेफ्ट साइड दैट वॉज अनडैमेज्ड. तो उस साइड को वेव्स की तरफ जहाँ से वेव्स जिस साइड से आ रही थी वहाँ पर उन्होंने बोट को घुमा दिया. देन सेकेंड थिंग ही डिसाइडेड टू डू वॉज टू मूव अहेड यूजिंग एन इम्प्रोवाइज्ड सी एंकर. उनका जो मेन एंकर था वो तो पानी में गिर गया था तो उन्होंने जुगाड़ लगा के एक न्यू एंकर बनाया था यूजिंग अ हैवी नायलन रोप एंड 2 22-liter प्लास्टिक बैरल्स ऑफ पैराफिन ऑयल. जो उनके पास ऑयल था फ्यूल था उसके 2 barrels थे उनके पास जो उन्होंने बांध के एक रस्सी से पानी में फेंक दिया टू स्टेबलाइज द बोट. बट जो मोशन का जो बोट की मोशन हो रही थी जो मूवमेंट हो रही थी दैट स्टिल बॉट मोर वाटर थ्रू द ब्रोकन वुडन प्लैंक्स. इसके बावजूद भी बोट के मूवमेंट के कारण काफ़ी पानी दोबारा बोट में आ गया था. नाउ इट वॉज अ क्रूशल टाइम. उनको पता था कि अब या तो जी जाएंगे या तो बच जाएंगे या मर जाएंगे. चांसेस ज़्यादा थे दैट दे वुड ऑल ड्राउन. सो दैट इवनिंग गॉर्डन कुक एंड हिज वाइफ सैट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स बिकॉज दे फेल्ट दैट द एंड वॉज नियर. बट गॉड वॉज विद देम. जब हिम्मत कभी हारती नहीं है एंड बाई द मॉर्निंग ऑफ 6 January वे वॉकर रोड आउट ऑफ द स्टॉर्म. दे वर एबल टू ओवरकम द सेकेंड स्टॉर्म एज वेल. अब स्टॉर्म से तो पार हो गया था बट यू हैव टू रिमेंबर दैट ऑल ऑफ देयर यू नो इंस्ट्रूमेंट्स एंड जितना भी उनके पास इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट था इट हैड ऑल फॉलन ओवरबोर्ड. तो अब गॉर्डन कुक ने सेक्सटेंट को यूज़ किया इन ऑर्डर टू गेट अ रीडिंग वेयर दे वर यू नो अपना कोर्स कहाँ पे है उसको एस्टिमेट लगाने के लिए उन्होंने सेक्सटेंट का यूज़ किया.
Sextant is a device which tells you, you know, it plots your जो आपका आप जिस साइड पे हो, यू नो, मैप के ऊपर वो प्लॉट करने पे एंगल्स बता देता है. देन ही ऑल्सो वर्कड ऑन द विंड स्पीड्स, विंड का स्पीड क्या है, जो विंड के स्पीड के कारण जो चेंज ऑफ कोर्स उनका हुआ था उसकी कैलकुलेशन करी. देन ही कैलकुलेटेड द ड्रिफ्ट एंड करंट ऑफ वाटर, कि पानी कितने तेज चल रहा है, किस डायरेक्शन में जा रहा है, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट देयर पोजिशन, कि कहाँ पर हम इस टाइम पर हैं एंड उनको कौन से डायरेक्शन में जाना पड़ेगा इन ऑर्डर टू रीच आइल एम्स्टरडैम. अब आइल एम्स्टरडैम क्या था? इट वॉज जस्ट अ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड इन द वास्ट 150,000 किलोमीटर्स ऑफ ओशन. पहले भी मैं बता चुकी हूँ, इट वॉज अ पिन प्रिक ऑफ एन आइलैंड. और ये इस आइलैंड को रीच करना बहुत मुश्किल था, एस्पेशली आफ्टर द विंड हैड डिस्प्लेस्ड देम. उनका जो कोर्स था उससे विंड ने उनको हिला दिया था. एंड नाउ इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट टू रीच दैट आइलैंड विदाउट द प्रॉपर इंस्ट्रूमेंट्स. हाउएवर, इवन इन दिस डार्क आर, जो उनके बच्चे थे स्यू एंड जोनाथन, दे बिकेम पिलर्स ऑफ स्ट्रेंथ. स्यू बड़ा धीरे से, दर्द भरी उसकी मूवमेंट्स थी, क्योंकि उसका पूरा लेफ्ट साइड ऑफ द हेड वॉज बैडली स्वोलन. उसकी आंखें भी ब्लैक हो गई थी एंड ब्लैक होने के कारण, स्वोलन होने के कारण, इट हैड कम बिकम मेयर स्लिट्स. बड़ी पेनफुली वो अपने पापा के पास चल के आई एंड शी गेव अ कार्ड टू गॉर्डन कुक इन विच शी हैड ड्रॉन द कैरिकेचर्स. कैरिकेचर्स होता है कार्टून फिगर्स ऑफ, यू नो, उसने अपने मम्मी पापा का कैरिकेचर बनाया था और कार्ड में वर्ड्स लिखे हुए थे, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ, आई लाफ्ड अ लॉट एज वेल. उसने अपने मम्मी पापा को हंसाने की कोशिश की. फिर कार्ड खोला तो अंदर मैसेज था, ओ हाउ आई लव यू बोथ, सो दिस कार्ड इज टू से थैंक यू एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. स्यू ने भी अपने तरीके से अपने पापा को पूरा, यू नो, हिम्मत दिखाई कि पापा जो होगा वो अच्छे के लिए होगा, आप टेंशन मत लो, बल्कि इस मुश्किल के टाइम में भी हमें हंसना चाहिए. अब स्यू और जोनाथन ने जो उनको एनकरेजमेंट दिया, तो गॉर्डन कुक को पता था कि नहीं, आई हैव टू डू समथिंग और दी अदर इन ऑर्डर टू सेव माई फैमिली. विद स्यूज एनकरेजमेंट गॉर्डन ने कहा कि नहीं, नाउ इट्स अ, यू नो, नेवर से डाई एटीट्यूड उन्होंने अपनाया. उन्होंने अपने सारे कैलकुलेशंस को चेक किया, रीचेक किया. दे हैड अ स्पेयर कंपस, और उनका जो ओरिजिनल कंपस था, जो सही कंपस था, दे हैड लॉस्ट इट ड्यूरिंग द स्टॉर्म. और ये जो दूसरा कंपस था, ये थोड़ा फॉल्टी था, इसमें कुछ मैग्नेटिक वेरिएशन था जिसको अल्टर नहीं किया गया था. और गॉर्डन कुक ने अपने दिमाग में ये बात रखी कि ये किस साइड पे, मतलब मुझे किस तरह से इसको यूज़ करना है सो दैट आई कैन स्टीयर द राइट कोर्स. आपको पता है कि जो कंपस है, इवन 1 degree इन द वास्ट ओशन कैन टेक यू माइल्स अवे फ्रॉम वेयर यू आर सपोज टू रीच. तो गॉर्डन कुक ने इसके लिए बड़ी कैलकुलेशंस की. वो कॉन्फिडेंट तो नहीं थे, बट येट एट 2 PM ही टोल्ड लैरी दैट ही शुड स्टीयर अ कोर्स ऑफ 185 degrees एंड इफ ही वॉज राइट देन ही वुड फाइंड द आइलैंड बाई 5 PM. अब ये बोल के गॉर्डन कुक न्यू के वो जो कुछ भी कर सकते थे उन्होंने किया है. एंड ही वेंट टू लाई डाउन एंड फॉर्चुनेटली, यू नो, इट वॉज वेरी लकी कि उनकी आँख भी लग गई. ही वेंट ऑफ टू स्लीप. जब उनकी आँख खुली, इट वॉज 6 AM and they were still sailing and, you know, अभी तक किसी ने अनाउंस नहीं किया था कि आइलैंड मिल गया है. तो उनका दिल बैठ गया. ही थॉट दैट दे हैड फेल्ड टू लोकेट द आइलैंड. ही वॉज वेरी डिसअपॉइंटेड बिकॉज उनको पता था कि ब्रोकन बोट के साथ, एक इंजन और एक सेल के साथ, दे कुडंट गो बैक इन टू द हार्श वेस्टर्ली विंड्स. वेस्टर्ली विंड्स इतनी स्ट्रॉन्ग थी दैट देर वॉज नो वे दे वुड बी एबल टू सर्वाइव दोज विंड्स. बट सडनली उसी टाइम पे जॉन और स्यू अपियर हुए और उन्होंने अपने पापा को हग किया और कहा दैट ही वॉज द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन बिकॉज दे हैड फाउंड द आइलैंड. गॉर्डन क्विकली वेंट टू द डेक एंड ही सॉ द स्टार्क आउटलाइन ऑफ द आइलैंड. और ये जो आइलैंड था, इट वॉज जस्ट अ पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक विद लिटिल वेजिटेशन. बट गॉर्डन कुक सेड दैट दिस वॉज द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड. यहाँ पे क्वेश्चन आता है बाय. उन्होंने एक वॉल्केनिक पीस ऑफ रॉक को द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड क्यों कहा?
द आंसर टू दिस इज बिकॉज इट रिप्रेजेंटेड सेफ्टी फॉर देम. उनको एक बहुत खतरनाक सिचुएशन से एक आसरा मिला था. सो देयरफॉर दे फाउंड द आइलैंड टू बी वेरी ब्यूटिफुल. उस रात को दे एंकर्ड ऑफशोर. एंकर्ड ऑफशोर मतलब वो बोट में ही सोए. एंड इन द मॉर्निंग ऑल द 28 इनहैबिटेंट्स ऑफ द आइलैंड हेल्प्ड एंड वेलकम देम अशोर. उन्होंने उनको बीच पर उतारा. एट द एंड ऑफ द चैप्टर गॉर्डन कुक ने जितने भी लोग थे उन सबको अपनी तरीके से थैंक यू बोला. पहले उन्होंने लैरी और हर्ब को थैंक यू बोला बिकॉज ऑफ देयर ऑप्टिमिज्म एंड चीयरफुलनेस अंडर डायरेक्ट स्ट्रेस. डायरेक्ट स्ट्रेस होता है मतलब स्टॉर्म के बीचों बीच भी वो कभी नर्वस नहीं हुए, गुस्से नहीं हुए, फ्रस्ट्रेटेड नहीं हुए, बल्कि उन्होंने हंसते हुए ऑप्टिमिस्टिकली गॉर्डन कुक का साथ दिया. देन ही ऑल्सो थैंक्ड मैरी जिसने व्हील पे रहकर बोट को स्टीयर किया था ड्यूरिंग ऑल द ट्रबलसम आवर्स ऑफ द स्टॉर्म. दैट यू नो दैट क्रूशियल टाइम पे अगर मैरी का साथ नहीं होता तो बोट को स्टीयर करना बहुत मुश्किल हो जाता. देन ही ऑल्सो थैंक्ड यू नो ही वॉज वेरी ग्रेटफुल टू स्यू ऑल्सो बिकॉज उसको इतनी चोट लगी थी एंड शी डिड नॉट वॉन्ट टू ट्रबल हिम. इन फैक्ट वो क्लैरिफाई करते हैं कि इतनी चोट गहरी थी दैट इट टुक 6 माइनर ऑपरेशंस टू रिमूव अ रिकरिंग ब्लड क्लॉट बिटवीन द स्किन एंड द स्कल. उसके स्कल के बाहर और स्किन के मतलब स्किन और स्कल के बीच में एक ब्लड क्लॉट बार बार आता था और इसको रिमूव करने के लिए 6 माइनर ऑपरेशंस लगे. उन्होंने जोनाथन का भी शुक्रिया किया हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई दे कुड ऑल बी टुगेदर. एंड द नरेटर हिमसेल्फ शोड एग्जेम्पलरी करेज कन्विक्शन कीन प्रेजेंस ऑफ माइंड एंड एक्सेप्शनल नेविगेशन स्किल्स एज वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड इन द बिगनिंग. सो विद दिस आई कम टू द एंड ऑफ द वीडियो. आई होप दैट यू लाइक दैट एंड वुड बी एनकरेज टू शेयर इट विद योर फ्रेंड्स. Please do not forget to like the video and subscribe to the channel. Also, do not forget to press the bell icon for further notifications. Thank you so much for watching the video.